जो हमारे टुकड़ों पर पले हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे वोट के टुकड़ों पर जो हैं आज, उनसे मैं सवाल पूछ। बीजेपी को छोड़ दीजिए। देखिए, बीजेपी से मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो तो मुंह पे बोलते हैं आपको, और बीजेपी को तो मुसलमान वोट भी नहीं देता। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। इस मुल्क में एक ही बार 1985 में जी 8% मुसलमान पार्लियामेंट में थे। तो ये तो सिस्टमेटिकली कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए 30 साल तक तो आप मुझे बताओ कि पहले जो 30 साल है आजादी के बाद, अगर कांग्रेस पार्टी किसी खंभे को खड़ा कर देती ना, वो भी जीत जाता है कि नहीं। तो तब भी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का जो परसेंटेज है उसके एतबार से उनको रिप्रेजेंटेशन किया, नहीं किया। मैं आपको गुजरात का मिसाल देता हूं कि गुजरात में, इसलिए बीजेपी की अभी बात नहीं करते हम, वो तो छोड़ दीजिए। मैं जो हमारी अलंबरदारी करते हैं और जो हमारे टुकड़ों पर पले हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वोट के टुकड़ों पर। हाँ, हमारे वोट के टुकड़ों पर जो हैं आज, उनसे मैं सवाल पूछता हूं। गुजरात में 84 से कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी लोकसभा में। जहां पर 15, 16 और 19 मुसलमानों को टिकट मिलती थी, कांग्रेस पार्टी ने कम करते करते 5 पे पहुंचा दी थी। अभी बहुत दूर क्यों जाते हो, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, 290 सीटें थी। कांग्रेस और एनसीपी, बीजेपी की छोड़ दीजिए, कांग्रेस और एनसीपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दी? 5। कितनी हुई? 2%, 3%। सब कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़ दीजिए। देखिए, बीजेपी से मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो तो मुंह पे बोलते हैं आपको, और बीजेपी को तो मुसलमान वोट भी नहीं देता।